बच्चों को अच्छे स्कूल से शिक्षित करवाना परिजनों के लिए मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि अच्छी शिक्षा और सुनहरी भविष्य के अवसर उपलब्ध करवाने के एप्स में अब स्कूल अपनी मनमानी पर उतर आए हैं और लगातार नियमों की अवहेलना करते हुए वे फीस वृद्धि करते जा रहे हैं। महंगाई के जमाने में स्कूल की बढ़ती फीस ने परिजनों की कमर तोड़ दी है और घर चलाना भी मुश्किल हो चला है। जब स्कूल के मनमानी का पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा तो परिजनों ने मजबूरन स्कूलों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आज आलम यह है कि सोलन के निजी स्कूल से उठी आवाज ने क्रांति का रूप ले लिया है और समूचे प्रदेश में परिजन एक होकर स्कूल की मनमानी के खिलाफ मुखर हो गए हैं। MRA DAB गीता आदर्श विद्यालय DAB कंडा घाट स्कूल के परिजन चिल्ड्रन पार्क में एकत्र हुए और सभी की यही मांग थी कि बढ़ती हुई फीसों को स्कूल प्रबंधन तुरंत प्रभाव से वापिस ले, अन्यथा उन्हें स्कूल प्रबंधनों के खिलाफ आवाज बुलंद करने को मजबूर होना पड़ेगा, जिसका जिम्मेदार स्कूल प्रबंधन होगा। उन्होंने कहा कि स्कूल लगातार फीस बढ़ा रहा है, यही नहीं एनुअल चार्ज के नाम पर भी मनमानी फीस वसूली जा रही है, जो उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं है। आज ये यहाँ पे निर्णय लिया गया कि बुधवार को हम लोग सेंट ल्यूक्स जाएंगे और एक पीसफुल प्रोसेशन लेके चलेंगे यहाँ से, और अपनी बातें वहाँ उनसे अपने सवाल पूछेंगे कि उन्होंने हमारी समस्या का कोई समाधान किया है, और यदि वो हमारी समस्या का समाधान करते हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी और स्कूल हमारी कोई स्कूल से कोई रंजिश या कोई बैर नहीं है। हमारा सिर्फ स्कूल ने जो व्यवस्था फीस को बढ़ाने वाला जो व्यवस्था अडॉप्ट की है, जो सिस्टम अडॉप्ट किया है, उस चीज़ का हम विरोध करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक लिमिट, एक सिस्टम से हर चीज़ होनी चाहिए, और उस दिन हम जाएंगे और यदि वो हमारी समस्या का निवारण करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि हम फिर भी एग्रीव्ड रहते हैं, हम सेटिस्फाई नहीं होते हैं और हमारी समस्या वैसे ही रहती है, तो तब हम आगे कानूनी कार्रवाई जो भी बनती है लीगल कार्रवाई उसमें उसको करने से पीछे नहीं हटेंगे। कंडा घाट से आए हैं, हमारे बच्चे जो है कंडा घाट DAV स्कूल में पढ़ते हैं। हमने स्कूल प्रशासन से कुछ दिन पहले बात की थी, इन्होंने जो है वो हमारे चार्जेस एनुअल चार्जेस बढ़ा रखे हैं, उसमें अमलगा मेड फीस है वो पहले 700 रुपये थी, अब वो सीधे इन्होंने 2200 रुपये कर दिए। हमने इससे जो है पहले वहाँ के जो मैनेजमेंट कमेटी के मेम्बर है उनसे भी बात करी थी, लेकिन उन्होंने इसका कोई निचोड़ नहीं निकाला। उसके बाद हम माननीय DC साहब जी के पास भी गए तो उसके बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। परेशानी हमारे को सबसे बड़ी परेशानी तो ये आ रही है कि उसका हमारे को समझ ही नहीं आ रहा है, जो इन्होंने वो फंड जो ले रहे हैं, ये जो पहले वो 700 था वो सीधा ही इन्होंने 2200, क्या प्रॉब्लम ऐसी आ गई कि वो सीधा ही 2200 करना पड़ा। दूसरा ये है कि जो बुक्स वगैरह भी है वो भी हमारे को उनकी दुकानों से ही लेनी पड़ती है, ड्रेस वगैरह जो कुछ भी है, तो ये हमारी समझ से बाहर है। और मतलब हम तो वहाँ से बच्चे निकालने को भी तैयार है अगर कोई ऐसी वो हमारी बात नहीं सुनते हैं। कि जो एनुअल चार्जेस इन स्कूलों की तरफ से लगाए जा रहे हैं उनको इमीडिएट वेव ऑफ किया जाए, और दूसरा मुद्दा जो कि हमारा एक फीस हाइकिंग का है उसके ऊपर भी इनके स्कूलों के ऊपर जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपना नियम बनाए और इन पे लागू करें, क्योंकि इनका भी एक रेगुलेटरी सिस्टम बना हुआ है जिसके तहत ये अपनी फीस बढ़ा सकते हैं। इन्होंने तो ऐसी मनमानी कर रखी है जो एवरी ईयर जो है अपना फीस हाइकिंग हो रही है। अगर आप एक जनरल सी एक आप कैलकुलेशन लेके चलें फीस हाइकिंग के लिए, ही एवरी ईयर 10-15% जो है फीस हाइकिंग हो रही है। अगर आपका एक बच्चा जो फर्स्ट से लेके 12th तक पढ़ रहा है तो उसको आप जोड़ सकते हैं कि कितने परसेंट, इट्स मोर देन 180 के आसपास जो है आप फीस हाइकिंग पे कर रहे हैं। जितने भी प्राइवेट स्कूल है वो हर बात अपने मनमाने तरीके से कर रहे हैं। इसमें मुख्यतः तौर पर जैसे हर साल 100 से लेकर 200% तक स्कूलों ने फीसें बढ़ाई है इस बार, और एनुअल चार्जेस जो है इनके बहुत ही ज़्यादा जो है 200% से ऊपर है इस बार। मतलब 2013-14 से इनके साथ लड़ाई लगी है, तो उस टाइम इन्होंने बेहताशा फीसें बढ़ाई थी और इन्होंने हमारे साथ समझौता किया था कि ये जो फीसें बढ़ा दी गई है इसके बाद 5 साल तक कोई फीसें नहीं बढ़ाते, बढ़ाएंगे हम। लेकिन बावजूद उसके भी ये हर साल फीसें बढ़ाए जा रहे हैं, तो इसमें सबसे प्रथम तो ये मुद्दा है। दूसरी बात है कि इनका जो किताबें बेचने का तरीका है, या पीछे इन्होंने कई बार ट्रैक सूट जैसी ऐसी चीज़ें ये स्कूल में बेचते हैं जो व्यापारिक गतिविधियां हैं, उस तरीके से मतलब ये अभिभावकों को लूटते हैं। इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए।